जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। यदि नंबर 1, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? जो प्रश्नकर्ता यहाँ पर हैं उनमें अगर आप होते तो कौन से प्रश्न पूछते उसकी याद हमें लिखनी है। जैसे कि यदि मैं प्रश्नकर्ता के रूप में होती तो मैं प्रश्न पूछती कि देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं। दूसरा प्रश्न पूछती, हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह बढ़ती ही क्यों जाती है। तीसरा प्रश्न यह भी पूछती, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था। यह प्रश्न मैं अवश्य पूछती। एक और प्रश्न पूछती कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार असक्षम क्यों है। ऐसे प्रश्न जो मेरे मन में उठते हैं ये सारे प्रश्न मैं पूछती। 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो जब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। 3, आपका यादगार घटना बताइए। आपकी यादगार घटना, जिस प्रकार डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन का प्रसंग यादगार प्रसंग बताया उसी प्रकार आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो जो आपके लिए यादगार बन गई हो यहाँ पर लिखनी है। प्रश्न 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, क्या करेंगे आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए? तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है तो बस एक अच्छे वैज्ञानिकों की। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की ज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ती हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ती हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करती हूँ। इस तरह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं यह सब कुछ करती हूँ। 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो अगर किसी को मुसीबत में मैंने देखा तो मैं यथाशक्ति उसकी सहायता करती हूँ। तन मन धन से मैं उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करूंगी। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। इस पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और सुंदर अक्षरों में लिखना है। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। इस पैराग्राफ को आप सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? तो हमने डॉक्टर कलाम का यह प्रश्न मंच देखा
उसमें बताया गया है कि बचपन में हमें मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए। क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा जो है वो माँ की ओर से मिली हुई भाषा है। माता की गोद में हम उसी में माता की गोद में हम उसी भाषा में सोचते और विचारते रहते थे। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भाव को सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हम मातृभाषा को ही महत्व दें। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव को हम आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बचपन में मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। प्रश्न 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कि 2020 में हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं वह यहाँ लिखना है। मित्रों, 2020 में मैं देख रही हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हो चुका है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी दिखाई दे रही है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो चुके हैं, कारों की संख्या बढ़ चुकी है, इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा हैं। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त हैं। लड़कियाँ भी दुपहिया वाहनों पर आ जा कर रही हैं। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ कई सारी होटलें हैं। इस समय होटलें खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बैरे का काम भी कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। यह सब कुछ विज्ञान से ही संभावित हो चुका है। स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है। क्यों? डॉक्टर कलाम मानते हैं कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। क्यों? तो वे मानते हैं कि देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रहता है। 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो तो चल सकता है। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और समझता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से व्यक्त कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम रखने के लिए वे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। 3, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो यहाँ देखिए, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? यह चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा। 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका
पुरुषों से कम नहीं है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाएं कार्य कर रही हैं। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त मात्रा में महिलाएं अधिकारी के रूप में हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? किसी भी देश के लिए सेना एक अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में असक्षम हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न दो, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। हमें अभ्यास में जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, इस प्रकार वाक्य बनाना है। महारत हासिल करना, अर्थ योग्यता प्राप्त करना। पढ़ लिख कर मैंने महारत हासिल की। प्रश्न तीन, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ रूपरेखा दी गई है। एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और शीघ्र। इस रूपरेखा पर से हमें कहानी लिखनी है। चलो हम कहानी सचित्र देखें। एक बार एक ब्राह्मण वन के भीतर चल रहा था। रास्ते में उसने एक नेवला को देखा। ब्राह्मण को वो नेवला बहुत अच्छा लगा तो उसको अपने घर ले गया। ब्राह्मण नेवला को अपनी पत्नी के हाथ सौंपकर उसका अच्छे से ध्यान रखने को बोला। ब्राह्मण की पत्नी ने वचन दिया कि वह उस नेवला को अपने पुत्र की तरह लालन पालन करेगी। नेवला को अपने बेटे के साथ में सुला दिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र से अत्यंत प्यार करती थी और उसे हर बुराई से बचाती थी। कुछ महीने गुजर गए और नेवला छोटे के साथ साथ बड़ा हो गया। दोनों हर समय साथ में ही खेलते थे। जैसे नेवला बढ़ता गया, ब्राह्मण की पत्नी को भय लगने लगा कि यह नेवला कहीं उसके पुत्र को कोई हानि न पहुंचाए। जब पत्नी ने ब्राह्मण से ये बात स्पष्ट की तो ब्राह्मण ने उसको बेवजह चिंता ना करने को बोला और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दिन पत्नी जी को कहीं बाहर जाना था। जाने से पहले उसने ब्राह्मण को बोला कि जब तक वो वापस ना आ जाए छोटे का ध्यान रखे और सचेत रहे। ऐसा कहकर पत्नी जी घर से चल पड़े। कुछ समय बाद ब्राह्मण को भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलना पड़ा। ब्राह्मण नेवला को छोटे के ध्यान में रख के चला गया। कुछ देर बाद अचानक से घर के अंदर एक सांप घुस आया। नेवला ने सांप को देखा और सोचा कि ये तो छोटे को हानि पहुंचा देगा। छोटे की सुरक्षा करने के लिए नेवला ने सांप का सामना किया। आखिरकार उसने सांप को मार दिया, परंतु अब सांप का रक्त नेवला के चारों ओर फैला हुआ था।
उसी समय ब्राह्मण की पत्नी घर लौट आई। अंदर आके देखा तो नेवला खून में लथपथ था। पत्नी जी को लगा कि नेवला ने छोटे को हानि पहुंचा दिया। गुस्से से भरी उसने गमला लिया और नेवला के सर पर फेंका, जिसके कारण नेवला की मृत्यु उसी समय हो गई। पत्नी जी जब दौड़ते हुए कमरे के अंदर आई तो अपने पुत्र को सही सलामत सोते हुए पाया। बाजू में था एक मुर्दा सांप। पत्नी जी को तुरंत समझ आया कि असलियत में हुआ क्या था और अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। मित्रों, आपने कहानी देखी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना समझी पर हमें पछताना पड़ता है। इस कहानी का शीर्षक है नेवला और स्त्री, या फिर ना समझी का परिणाम, इस तरह शीर्षक हम दे सकते हैं। 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। इस पैराग्राफ का मातृभाषा में अनुवाद करना है। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। आपणा माटे संसार में सौथी वधारे मूल्यवान आपणो शरीर छे। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा ज अपने बधाज काम करिए छी। इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। माटे शरीर स्वस्थ रहे ते खूब जरूरी छे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ राखवा माटे कसरत करवी जरूरी छे। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडोल बनता है। कसरत थी शरीर मजबूत अने सुडोल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। दरेक अंग में स्फूर्ति आवे छे। शरीर में आलस्य नहीं रहता। शरीर में आड़स रहती नहीं। इस प्रकार आपको पूरा स्वाध्याय अभ्यास अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिखना है।